दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले यूपी टेट की एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में रेकमेंड करना चाहता हूँ। ये बुक है चक्षु पब्लिकेशन की, इनका एक कवर पेज है, आप इसको मार्केट में इजीली खरीद सकते हो। ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड गाइड है, यानी सारा सब्जेक्ट आपको एक ही बुक से मिल जाएगा, अलग अलग बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इसमें 3000 प्लस अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, यूपी टेट के पाठ्यक्रम पर आधारित संपूर्ण थ्योरी दिया गया है, 2 शॉर्ट पेपर दिया गया है 2018 से लेकर 2020 तक के, नवीनतम पैटर्न पर आधारित है ये बिल्कुल। ये इसका कवर पेज है, इसका मैं इंडेक्स आपको दिखा। ये देखिए जो आपका पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम भी इनमें दिया गया है, साथ साथ लगाए गए किताब के, और इसके बाद में आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई गई है चार्ट के माध्यम से, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सब कुछ यहाँ पर दिया गया कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस इसमें पूछे गए ये भी, और ये यहाँ पर देख सकते हो विषय वस्तु यानी इनका इंडेक्स है। यूपी टेट के गाइड के साथ में इनके टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी आती हैं। ये सारे बुक्स आपको इजीली मार्केट स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, या फिर आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। नंबर 1 है, हाल ही में किस राज्य ने महिला के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल अपना उत्तर प्रदेश यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सिटी के को विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दें आप लोग, 2 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये वाला है, 3 नंबर का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो एक बार लिखिएगा जरूर, ठीक है, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो मुझे भी लगता है कि हाँ चलो जो चीज़ें मैंने कराई आपको लग रहा है कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए फायदेमंद है, तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताएगा क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यूसुफ अली। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ भाई, मुझे पता है कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएगी लगभग वो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर करंट अफेयर में कोविड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोविड की एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी, उसको भी जरूर देख के जाना, अगर नहीं देखा तो चैनल पे जाकर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रूस, रूस बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के द्वारा बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया। 5 नंबर का उत्तर दें आप लोग, अगर आंसर पता हुआ करे तो आप मेरे आंसर बताने से पहले कमेंट कर दिया करो। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, नोमैडलैंड फिल्म है जिसको 93वां ऑस्कर अवार्ड मिला है। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 है, गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताओ भाई, और इसके बाद में पीटी की क्लास चलाई जाएगी, कल आपकी परीक्षा है, आप में से बहुत सारे लोगों ने पेट का फॉर्म डाल रखा होगा UP SSC पट, एक बार कमेंट में इस वीडियो के कमेंट में लिख के जरूर बताना किस किस ने UP SSC पेट की फॉर्म डाल रखा है, और जितने भी शेष बचे हैं दिन 20 अगस्त को वो भी पेपर है आपका, तो आपने तैयारी बहुत अच्छी से कर रखी है, अगर आप छोड़ देंगे बीच में ना तो मज़ा नहीं आएगा भाई, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, तो 10-15 दिन और खुद को झोंक के रखो, इसमें पेट भी निकालना है आपको, ठीक है। मैं अपने चैनल पर पेट की तैयारी परसों से स्टार्ट करवा दूंगा, कल शायद ना हो पाए लेकिन परसों से स्टार्ट करवा दूंगा पैट की क्लासेस, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिएगा, ऐसे ही धुआंधार तैयारी करवाऊंगा आपकी बेस्ट क्वेश्चन के साथ में पैट की। कमेंट में जरूर लिखना किस किस ने आवेदन किया है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाला प्रश्न, 7 नंबर का राइट आंसर दो, 7 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन ए पाथ ऑफ टू रिकवरी एंड वेलबींग। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये मैंने कल कराया था, परसों शायद मैंने जो 2021 में पुस्तकें लॉन्च हुई है उनमें कराया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, समीर सोनी। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर अगर पता है तो उत्तर जरूर करें।
क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है, जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताएं आप लोग, 10 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राजधानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दें आप लोग, राजधानी बोल दिया मैंने, राजस्थानी लिखा, ध्यान नहीं दिया मैंने, माफ करना। 11 का उत्तर दो भाई, सुबह सुबह एक तो लेट में सो, उसके बाद में मॉर्निंग में एकदम उठ के आपको क्लास करना करना पड़ता है भाई। कोई नहीं भाई, बस आप लोग पास हो जाओ अच्छे नंबर से, गवर्नमेंट सीट मिल जाए और क्या चाहिए, आपके लिए कर रहे हैं। 11 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा भाई, मोहन कृष्ण बोहरा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य में दशान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दें आप लोग, 12 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, इंपॉर्टेंट है वाला। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। 13 नंबर का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ग्राम उज्ज्वला योजना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, दिव्यांग जनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु तो हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दो, 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सुगम भारत ऐप। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर कमेंट करें आप लोग, 15 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, इंदौर को। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, आईक्यू एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में दिल्ली का स्थान कौन सा रहा भाई। 16 नंबर का उत्तर दो, दिल्ली का स्पेशली पूछा गया कौन सा स्थान रहा। 16 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, 10वां स्थान रहा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 है, एक मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहां किया गया। 17 नंबर का उत्तर करें आप लोग, 17 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऋषिकेश में। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया। क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर दें आप लोग, 18 का उत्तर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा, मैरी कॉम। अगला देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार को की खोज की है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर दें आप लोग, 19 का सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर दें आप लोग, 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर दें आप लोग, 23 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, उत्तराखंड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया भाई किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप लोग, फटाफट सब लोग जल्दी से लाइक कर दो,
आधे घंटे के अंदर या 30 मिनट के अंदर इस वीडियो पे 500 लाइक होना चाहिए, क्योंकि समय कम है, पीडीएफ भी आपको देना है और पढ़ना भी आपको पीडीएफ। तो जल्दी जल्दी लाइक करो और फटाफट पीडीएफ डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। 24 का क्या हो जाएगा, डी का उत्तर हो जाएगा फ्रांस। और भाई कोई दिक्कत आ रही एग्जाम से पहले, कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर लो। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या आ रही है, परीक्षा नहीं दे, एडमिट कार्ड वगैरह को लेकर कोई इशू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर लो, क्लियर कर लो डाउट अपने। मैं नहीं चाहता किसी बच्चे का एग्जाम छूटे या कुछ भी दिक्कत आए उसको। 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा फ्रांस। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 से, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, रिसेंट का ही है। क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर दो आप लोग। 25 का हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर, फिजी, फिजी में। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, 26 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा सेल। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर करें आप लोग अगर पता है तो। 27 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, चिकित्सा। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने COVID-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर दो। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा पर ए तथा बी दोनों। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर कमेंट करके बताएं आप लोग। 29 का क्या हो जाएगा भाई, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा जापान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बना। 30 नंबर का उत्तर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, 30 का क्या हो जाएगा भाई, बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 31 है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन्स में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएं आप लोग। 31 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश को। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहां किया गया। 32 का राइट आंसर, 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दस्तलिक द्वितीय थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया। 33 नंबर का उत्तर दें। 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा उज्बेकिस्तान में। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं आप लोग। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ICGS ब्रज। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर दो भाई। मैंने लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए एग्जाम से पहले, बस एक टॉपिक और बच रहा है, साइंस के क्वेश्चन, जो कि सभी वर्ग वालों में आएगा, पेपर वन में जीके में भी साइंस आपको देखने को मिलेगा, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर साइंस की वीडियो दोपहर या शाम तक लेकर आऊँगा, उसके बाद में द एंड, ठीक है। और उसके बाद में माफ़ करिएगा अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, ठीक है, आप लोग उसके बाद फ्रैंक माइंड से एकदम होकर परीक्षा देने जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का भाई, सब सही जाएगा, बढ़िया पेपर होगा। 35 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा द ग्रेट खली। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 है, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर दो आप लोग। तो 36 का हो जाएगा डी करेक्ट उत्तर, चिंकी यादव ने। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 37 देखो यहाँ पर आपका क्या है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। 37 का राइट आंसर दो आप लोग। 37 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुंबई ने। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 38 है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा
उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताएं आप लोग। 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, बताओ फटाफट। 38 का हो जाएगा सी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 39 है, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रांड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दें आप लोग। थर्टी नाइन का बी का उत्तर हो जाएगा 2023। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रांड मास्टर बन गए हैं, कौन है भाई बताओ? क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर दो। 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, कौन है? 40 का उत्तर हो जाएगा डी भाई, अभिमन्यु मिश्रा इनका नाम है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी भारतीय महिला पहलवान ने माटियो पैलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर वन पहलवान बन गई? क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर दो भाई। 41 का हो जाएगा बी, करेक्ट उत्तर विनेश फोगाट। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 42 है, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताएं आप लोग। 42 का ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 43 है, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर बताएं आप लोग कमेंट करके। 43 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहां पर 34वीं। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई है? 44 नंबर का उत्तर दें आप लोग। 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में किस देश की पर्वतरोही तनसांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर दें आप लोग फटाफट, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। 45 का क्या हो जाएगा? 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा हांगकांग। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 46 है, किस राज्य की पुलिस ने COVID-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु तो मिशन हौसला की शुरुआत की? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर दें आप लोग। 46 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 47 है, केरल के ट्यूबर मैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 47 का उत्तर बताएं आप लोग कमेंट करके। बहुत बढ़िया, 47 का बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही, शाहजी NM। अगला देखो भाई, 48 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया? क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर बताएं आप लोग। 48 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसरो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 49 है, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है? 49 का उत्तर बताएं आप लोग, 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 6.8%। ये रहा आपका अंतिम प्रश्न करंट अफेयर का, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? 50 नंबर का राइट आंसर बताओ दोस्तों। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है पढ़कर। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा तक ये करंट अफेयर पहुंच जाए लोगों तक। चैनल पे अगर नए थे आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। अभी और भी क्लासेज आएंगी आज, क्योंकि आज का टाइम है आपके पास, तो हमारे साथ जुड़े बने रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, PDF फाइल मिल जाएगा, और फटाफट लाइक करके जाओ भाई, बिना लाइक किए मत जाना। 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोरोना वॉरियर्स को, ठीक है, डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आई होप ये करंट अफेयर आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मजा आ गया भाई आप लोगों को पढ़ाकर, मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। अच्छे से पेपर आप लोग देकर आना, टेंशन नहीं लेने का और बहुत लोड नहीं लेने का, कुछ भी ज़्यादा सोचने का नहीं। आपको लगता होगा कि अरे लग रहा है कुछ कुछ नहीं याद है मुझे, कुछ भी पढ़ा नहीं मैंने, है ना, सब भूल गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा सोचोगे ऐसा लग रहा है, सब कुछ दिमाग में आपके फीड है, एग्जाम के टाइम में सब कुछ निकल के आएगा, अभी मत सोचो वरना सब भूल जाओगे वाकई में। तो बस मेरी अंतिम वीडियो थी ये करंट अफेयर की,
के बाद हो सकेगा तो एक आध वीडियो आएगी शाम को, वरना फिर भाई आप लोग पेपर अच्छे से देख कर आओ। थैंक यू सो मच।